हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप ये नहीं जानते होंगे कि किस मुगल की बेटी ने लड़के से हिंदू राजा से प्यार करके कितनी बड़ी सजा पाई। चलिए हम आपको बताते हैं किस मुगल बेटी ने हिंदू राजा से प्यार करके क्या सजा पाई। इस मुगल राजकुमारी को हिंदू राजा के इष्ट की मिली थी ये बड़ी सजा। मुगल बादशाहों की बेटियों में जहाँ आरा का ही जिक्र से ज्यादा होता है, लेकिन जेबुनिसा भी कम चर्चित नहीं थी। औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा अपने समय की मशहूर शायरों में से एक थी, जिनकी कई विषयों पर बेहद पकड़ थी। 15 फरवरी 1638 में जन्मी जेबुनिसा की जानकारी के इतने कायल थे कि उसे 4 लाख सोने की अशर्फिया खर्च ये देते थे। औरंगजेब जेबुनिसा के शायरी करने के खिलाफ थे, इसलिए वे खफी नाम से लिखती थी और छिपकर मुशायरों में जाती थी। जेबुनिसा की चर्चा अपनी शायरी और पढ़ाई से भी ज़्यादा प्यार के लिए होती है। उनकी बेहद दुखद मौत का कारण बना एक मुशायरे में जेबुनिसा अपना दिल बुंदेल राजा 76 साल को दे बैठी, जो उन्हें उनके पिता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। औरंगजेब ने खफा होकर जेबुनिसा को दिल्ली के लाल किलो में कैद कर दिया, जहां वे अगले 20 साल तक कारागार में रही। जेबुनिसा कारागार में रहने के दौरान कृष्ण भक्त हो गई। उन्होंने 20 साल में कहाँ पर कारागार में 5,000 से ज़्यादा कविताएँ लिखी। जेबुनिसा की ये रचनाएँ उनकी मौत के बाद दीवाने मखफी के नाम से छपी, तो आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। जेबुनिसा की मौत के दौरान कैद में ही 1702 में के मई महीने में हुई थी। उन्होंने काबुली गेट के बाहर 30,000 बाग में सुनाया गया। तो फ्रेंड्स, ऐसी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए।